गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। देखिए, आज संडे है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शैम्पो कर लिया हूँ ये हेयर को। तो चलिए, अभी हम गए थे जो सब्जी मार्केट, सब्जी लेके आए और फिश भी लेके आए। तो अभी मैं जाऊँगी, फिश करी बनाऊँगी और उसके साथ, तो हमेशा फिश के साथ तो राइस सलाद ऐसे ही बनता है और ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। तो अभी मैं जाऊंगी, फिश का करी बनाऊंगी। जैसे हमारा उड़ीसा में जैसे हमारा सिंपल सा जो गार्लिक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट में जैसे हमारा फिश का करी बनता है, वैसे ही मैं बनाऊंगी। चलिए बाय। देखिए, पहले मैं राइस बिठा रही हूँ, मतलब एक तरफ राइस होगा और दूसरी तरफ मैं जो फिश का करी बनाऊँगी। देखिए, इधर मैंने जो फिश हम लाए थे ना, तो फिश को अच्छे से मैंने धो लिया है। अभी इसमें मैरिनेट कर दूंगी, कुछ नहीं, थोड़ा सा मैंने नमक और हल्दी डाल के ना इसको मैरिनेट कर दूंगी और थोड़ा टाइम के बाद ना इसका मैं करी बनाऊंगी। देखिए, तेल गरम हो गया है, अभी मैं फिश को फ्राई करूँगी और फिश को फ्राई करने के बाद ना मैं करी बनाऊँगी। देखिए, ये जो नॉनस्टिक वाला तवा ना अभी मैं लाई हूँ, मतलब अभी 15-20 दिन से पहले हम लाए, मतलब मैं लाई हूँ, तो मतलब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी तो इसलिए मैं ये वाला जो पैन में मैं बना देती हूँ। जब ज़्यादा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, जो मेरा कढ़ाई है ना, मैं उसमें बनाती हूँ। देखिए, पैन में भी अच्छे से फ्राई हो जाता है और मतलब थोड़ा सा ही करी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं एक वाला पैन में ही बना देती हूँ। देखिए, पहला फेज मेरा जो फिश फ्राई करना हो गया, अभी दूसरा फेज में डाल रही हूँ, मतलब जो फ्राई कर रही हूँ, ये होने के बाद ना मैं करी बनाऊँगी। देखिए, करी बनाने जा रही हूँ मैं जो फिश का करी, तो पहले जो तेल गरम तो था इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल दिया और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ा टाइम के लिए भूनना है और वो भूनने के बाद ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। देखिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद ना मैंने एक टमाटर को कट करके डाला है और उसके बाद ना जो बेसिक मैंने डालती हूँ जो मसाले वगैरह, वैसे देखिए पहले क्या है ना, जो नमक एक मतलब 3 चम्मच मैंने डाला, क्योंकि ना मेरा छोटा चम्मच है इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला, और हल्दी 1 चम्मच डाला और क्या है ना, रेड चिली पाउडर मतलब 1/2 चम्मच डाला। पहले 1/2 चम्मच मैंने डाली थी तेल में, तो मतलब जो करी थोड़ा सा रेड दिखने के लिए, और धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच डाला और गरम मसाला 1 चम्मच डाला, और उसको क्या है ना, ऐसे मसाले के साथ थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई करना है जब तक इसका कच्चा स्मेल ना जाने तक और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करना है। देखिए, मसाले अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी देखिए, दूसरी तरफ मैंने ना थोड़ा सा पानी गरम कर रही थी, अभी वही पानी को अभी मैंने डाल दिया और मसाले के साथ अच्छे से मिला दिया। और क्या है ना, ऐसे गरम पानी डालने से ना अच्छा स्वाद आता है और जो कुकिंग का प्रोसेस है ना वो नहीं रुकेगा, ऐसे ही चालू रहेगा। और देखिए क्या है ना, अभी जो मैंने आलू को बॉयल करके रखा था मैंने, वही अभी मैंने डाल दिया। कभी कभी क्या है ना, आलू को मैंने फ्राई करके डालती हूँ, आज मैंने बॉयल करके डाल दिया। और जो गर्म पानी डाले थे ना तो जल्दी ही बॉयल हो गया, मतलब जो पानी में उबाल आ गया जो करी में, तो अभी जो फिश मैंने फ्राई करके रखी थी ना, वही अभी फिश मैंने डाल दूँगी और उसको 5-10 मिनट के लिए मतलब छोड़ दूँगी, वो हो जाएगा करी, मतलब अच्छे से पक जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा मेरा फिश करी। देखिए, बॉयल आने के बाद ना, करी में बॉयल आने के बाद ना मैंने फिश मसाला, जो फिश
करी का जो मसाला ना वही डाल दिया, और लास्ट में ना मैंने धनिया पत्ता कट करके रखा था वही डाल दिया। अभी हो गया मेरा फिश करी। देखिए संडे है ना, तो मतलब जो खाना बनाने के बाद ना मैंने ऐसे कपड़ा वगैरह सब साफ करके ना अभी मैं सुखा रही हूँ धूप में। तो बेटी आ गई, बेटी बोली कि मामा मैं भी तुमको मदद करूँगी। तो इसलिए क्या है ना, मुझे जो हैंगर वगैरह क्लिप वगैरह चाहिए ना वो मुझे एक एक करके हैंगर दे रही है। मैं कपड़ा सुखा रही हूँ, देखिए मतलब हम दोनों मिल के इधर कपड़ा सुखा रही है, वो भी मुझे हेल्प कर रही है। देखिए सुबह हम गए थे सब्जी मार्केट सब्जी लाने के लिए, मतलब एक हफ्ते के लिए हमारा सब्जी लाता है, तो ये सब्जी मंडी हम गए थे सब्जी लाने। देखिए संडे का हमारा एक हफ्ते के लिए ये सब्जी हस्बैंड लाए हैं। देखिए इधर कैप्सिकम, ये जो रॉ मतलब रॉ बनाना, और इधर कुकुम्बर, और इधर बीन्स, और इधर भिंडी, और इधर टमाटर, और इधर अदरक, और इधर परवल, और इधर वैंगन, और इधर गाजर, और बीटरूट, और इधर पम्पकिन कद्दू, और इधर देखिए टमाटर और ग्रीन चिल्ली, और इधर देखिए जो आलू और प्याज और लहसुन ये सब मैंने स्टैंड में रख दिया है। देखिए जो सारे कपड़ा मैंने दोपहर को सिखाई थी ना वो मतलब सूख गया है अच्छे से, उसको लाके ना अभी मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। मतलब आप इसको फोल्ड करके अभी रख दूँगी तो बाद में काफ़ी मुझे टाइम मतलब टाइम निकल के ना मैं इसको सब जो आयरन कर दूंगी। देखिए गाइस हम शाम को बेटी को लेके थोड़ा सा आए हैं पार्क, वो थोड़ा सा खेलेगी मस्ती करेगी। देखिए पार्क अभी खोला है, मतलब हम जो पहला कस्टमर है इसलिए ज़्यादा बच्चों नहीं है, चार पांच बच्चों हैं। देखिए देखिए गुड इवनिंग। देखिए अभी हम आए हैं पार्क, बेटी सब खेल चुकी है। टिटू ने आज क्या क्या खेला बोलो, पता नहीं बोलो ना, तो ये पता नहीं सब पता है, स्लाइड में और झूले में और डॉग में सारे इंस्ट्रूमेंट पे वो खेली। देखिए हम आज तीनों आए हैं, हस्बैंड का आज छुट्टी है संडे ना।
देखिए पार्क से आने के टाइम पे ना हम इधर थोड़ा सा आए हैं शुगर केन का जूस पीने के लिए। देखिए देखिए इधर टिटू पेड़ में पानी दे रही। ओके गुड जॉब। देखिए शाम को ना मैं पेड़ में पानी दे रही थी, ज़्यादा धूप हो रही ना तो पेड़ को ना हर दिन ही पानी चाहिए, तो मैं पेड़ में पानी दे रही थी। बेटी बोले कि नहीं नहीं मामा मैं भी थोड़ा सा पानी दूंगी, तो वो भी आ गई पेड़ में। अभी पानी वो थोड़ा सा दे रही है, मैं उसका वीडियो बना रही है। चलिए मेरा व्लॉग मैं आज यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। चलिए टाटा बाय बाय। बना रही हूँ तो उसको पता चल गया, तो अभी वो नाच रही है। देखिए मजा करके वो पेड़ में पानी दे रही है।